गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आ गए, नमस्कार। बेसिकली आज मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी काम से सीपी आया हुआ था, तो मेरे पास 15-20 मिनट फ्री था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा सीपी दिखा देता हूँ। यार सीपी का व्लॉग कभी और बनाएंगे, और क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और तो अभी मैं मेन आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हो, आई थिंक दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको सबको पता ही होगा, बाकी जो अगर आप बाहर से अगर आते हो तो मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा आप सीपी ज़रूर आना। अगर आप दिल्ली घूमने आए हो तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यहाँ का। तो बेसिकली ये है जैन चावल वाले, ये रात में भी ओपन रहता है, ये फुल मतलब फुल डे ओपन रहता है। अच्छा, और आज भीड़ देख लो आप इनके पास। तो बेसिकली यहाँ का राजमा चावल फेमस है, तो इसका व्लॉग भी कभी और बना कर दिखाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी आगे चल रहे हैं। तो ये इस तरीके की भी मार्केट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो आप लोग क्राउड। देख रहे हो आप जिनचैन का, ये कितने के आंटी? तो इसमें से आप देख सकते हैं फोन के पीछे बैग लगाने के लिए होता है, 50 रुपीज का है ये। और ये हैंडक्राफ्ट बैग्स, वाओ। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं काफ़ी सारे, और आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, सारे ब्रांड के फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे। बेसिकली ये सीपी है क्या, यहाँ पर आप मतलब एक सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर पूरा सीपी बना हुआ, और सर्कल के बीच में एक पार्क है, तो जिसमें फ्लैग लगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते आप मेरे बैक साइड पर। वन सेकेंड, यहाँ से दिख नहीं रहा है, वेट, ये देखो फ्लैग आपको दिख रहा होगा, ढंग से नहीं दिख पा रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखो ये दिख रहा होगा अब आपको। बेसिकली बीच में इसके पार्क है, पार्क में जाके आप बैठ सकते हो, और ये पूरा सर्कल के ऊपर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्राउड देखो यहाँ पर आपके, शॉपिंग के लिए भी बेस्ट प्लेस है, पालिका बाज़ार भी यहीं पड़ता है, पालिका मार्केट आपके अंडरग्राउंड है सीपी के, वो जो मैंने अभी आपको ये पार्क बताया, इस पार्क के नीचे पालिका बाज़ार है, तो शॉपिंग के लिए भी बेस्ट प्लेस है वो। ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा आज, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं जस्ट आपके लिए एक रिव्यू दे रहा हूँ कि सीपी अगर आओ तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। अभी मैं चल रहा हूँ एक पान खाना, आपको पान खिलाने चलता हूँ। उस पान की स्पेशलिटी क्या है कि वो फायर पान है, नॉर्मल पान नहीं है, फायर पान है। अच्छा, और सही सुन रहे हो, आग वाला पान है, तो मैं दिखाऊंगा उसको आपको कितना प्राइस है, खाकर भी बताऊंगा कैसा लगता है, और मुंह जलता है नहीं जलता ये भी दिखाऊंगा जरूर, तो चलते हैं वहीं की तरफ। सो नाउ हेयर वी आर, सो ये है फायर पान के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पड़ता है, ये ओडियन सिनेमा आपने सीपी में देखा होगा, जस्ट उसी के सामने ये पान की शॉप है। तो ये है देखो फायर पान, मैं भी अभी खाकर दिखाऊंगा। तो ये है ऑडियंस सिनेमा, और जस्ट इसी के सामने ये पान है शुक्ला पान। पान का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, 35 रुपीज़ का एक पान है। तो और बताना चाहूँगा, एक मेरे पे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरा नाम कमेंट में राजवीर लिखा हुआ, तो यार
मेरा नाम राजवीर नहीं रजत नाम है। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, अगर बॉस दिल्ली में आए और सीपी नहीं आए तो फिर आप क्या दिल्ली है। तो अगर दिल्ली आते हो तो सीपी जरूर आना। आ गया हूँ अब मेन सीपी वाले पार्क में, तो टिकटॉक के लिए भी मत आना, भूल गया। आपको टिकटॉक के लिए अगर वीडियोस आप बनाते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस है, बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी मैं दिखाता हूँ इस पार्क में कितने टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं लोग, देख लो आप टिकटॉकर्स की भीड़। ये यहाँ पर आप देख लो कोई सस्ता एक्टर आया हुआ है, उसके लिए भीड़ लग रही है, कोई सस्ता टिकटॉक एक्टर है। ओ ये देखो आप ये लोकेशन, फोटोशूट के लिए भी बेस्ट प्लेस है यार, बेस्ट प्लेस। भीड़ देख लो आप कितनी है यहाँ पर। मैं अगर यहाँ पर आता तो भी आ जाना, बहुत अच्छा यहाँ का व्यू होता है, लाइट्स वगैरह जलती हैं तो काफी अच्छा व्यू होता है, राइट में भी आ सकते हो। तो कपल्स देख लो यहाँ पे कितने सारे बैठे हुए हैं, क्या नजारा है। तो कपल्स के लिए बेसिकली पार्क जो है वो कपल्स के लिए, यहाँ पर कपल्स ही आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। आज संडे की वजह से इतनी भीड़ हो रही है, अदरवाइज आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको कपल्स ही मिलेंगे यहाँ पर। तो ये है इसका बिल्कुल मिडल सर्कल, तो जितने भी इवेंट्स वगैरह यहाँ पर जो होते हैं, जितने भी इवेंट्स वगैरह सीपी में होते हैं वो यहीं होते हैं मेनली। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब यार आप देख रहे हो क्या गया है लोगों को, हो क्या गया है। मतलब टिकटॉक के सीईओ ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि मैं जो टिकटॉक या ऐप बना रहा हूँ वो सिर्फ एक उनके लिए बना रहा हूँ, जो सिर्फ टाइम पास के लिए मैं एक ऐप बना रहा हूँ, पर लोग इतने वेल हैं, इतने फ्री हैं, मुझे अब पता चला है सबके सब टिकटॉक बनाने में लगे पड़े हैं। अब मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया, तो अब मैं चल रहा हूँ घर यहाँ से। पहले मेरा जो काम होगा उसको निपटाऊँगा, फिर जाऊँगा यहाँ से घर, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ का मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा पूरा कभी किसी दिन। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, करना करो ना भाई, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जल्दी जल्दी वीडियोज आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।